नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत है। पिछले दो दिनों में अगर यूएस मार्केट्स के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखा है, बट जो मैक्रो फैक्टर्स थे वहाँ पे हमने काफ़ी बड़ा चेंज देखा है। 10-ईयर बॉन्ड यील्ड ये गिर के अभी 3.35 के करीब आ चुका है, जो 3.50% के करीब था। गोल्ड और सिल्वर वहाँ पे हमने एक बड़ी तेज़ी देखी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो 102.5 के करीब था अभी वो 101.5 के करीब आ चुका है, और जो रिसेशन के वरीज़ हैं वो वहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ का जो यूएस में जो जॉब डेटा आया है वो थोड़ा कम होके आया है, और वहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं कि शायद इसमें और भी हमें डिक्लाइन देखने मिले, जिसका असर यूएस के इकोनॉमी पे होगा और वहाँ पे रिसेशन की वरीज़ और बढ़ेंगी। और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स में भी हमने करेक्शन देखा, और साथ ही साथ गोल्ड और सिल्वर में इनडायरेक्ट जो एक इन्वर्स रिलेशन होता है वो हमें देखने मिला है, वहाँ पे हमने एक बड़ी तेज़ी देखी। तो इसी वजह से हमें लगता है कि ये सभी फैक्टर्स जो हैं वो देखा जाए तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली एक अनसर्टन सॉर्ट ऑफ ट्रेंड दिखा रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर हम डॉलर इंडेक्स में अगर और वीकनेस देखते हैं तो ये इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोस पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट्स वहाँ पे या तो पॉज होंगे या तो वहाँ पे कट आएगा इन द फ्यूचर, नॉट नेसेसरी इन द नियर टर्म, इट विल टेक टाइम। और इंडियन मार्केट्स में भी हम या तो पॉज देखेंगे और फॉर अ लॉन्गर टाइम, या तो कुछ कट के एक्सपेक्टेशंस रहेंगे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। ये सभी फैक्टर्स FIs के फ्लोज को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सक्षम रहते हैं, और इसी वजह से हमें लगता है कि इन द शॉर्ट टर्म हमें शायद थोड़ा सा मार्केट वॉलेटाइल देखने मिले, इन द लॉन्ग रन मार्केट्स में वापस एक बार FIs की हम एंट्री सोच सकते हैं। बट शॉर्ट टर्म के बेसिस पे अगर हम हमारे इंडियन मार्केट्स को देखें तो हमें लगता है कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रैली कर ली है। मार्केट्स काफ़ी वैसे देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, लेकिन ये पुल बैक रैली है। तो करंट लेवल से अगर मार्केट 17,450 के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो हम 17,500, 540, 550 के लेवल्स देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट ने एक बेरिश गैप छोड़ा था इन द मंथ ऑफ मार्च। और लोअर लेवल्स पर अगर आप देखें तो 17,380 के नीचे हम मार्केट में वीकनेस देख सकते हैं। 17,380 के नीचे हमें लगता है कि निफ्टी एक बार 17,300 से लेकर 250 के भी लेवल्स रजिस्टर कर सकता है। सो 17,300 डेफिनेटली मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उन लेवल्स के नीचे ही वीकनेस और बढ़ेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में 17,380 के नीचे हम कुछ शॉर्ट पोजीशंस बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस एट 17,450। और बैंक निफ्टी के लिए 41,250 के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट्स में 40,600, 40,400 के सपोर्ट्स बैंक निफ्टी में वर्क कर सकते हैं। सेक्टर स्पेसिफिक हमें बैंक स्टॉक्स के साथ साथ आईटी स्टॉक्स पर भी फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पे डॉलर इंडेक्स में हमने कुछ करेक्शन देखा है, और साथ ही साथ हमें लगता है कि जो ऑटो इंडेक्स है वहाँ पे हमने अच्छी खासी मोमेंटम सोमवार के दिन देखी थी, क्योंकि ऑटो के नंबर्स वैसे देखा जाए तो काफ़ी हद तक अच्छे थे, और इसी वजह से ऑटो स्टॉक्स में भी हम कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबसे मैं आज के लिए विदा लेता हूँ, और आप सभी के लिए आज का दिन मंगलमय रहे। धन्यवाद।